अच्छा भाई दोस्तों, लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे कि हमारे पास ये एक अदद रिएक्ट की एप्लीकेशन है जो ये वेब के फोल्डर में पड़ी हुई है और रूट पे जो है हमारा सर्वर पड़ा हुआ है, सर्वर डॉट एफजेएस। इसको हम इस रिएक्ट की एप्लीकेशन को हम इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे थे डायलॉग फ्लो से, राइट। और रिएक्ट की एप्लीकेशन से हम डायरेक्टली डायलॉग फ्लो को कॉल नहीं कर सकते, कर सकते हैं लेकिन हम कर नहीं रहे थे। उसका रीजन ये है कि फ्रंट एंड पे हमारे क्रेडेंशियल एक्सपोज हो जाएंगे सब लोगों में, तो इसलिए हमने क्या किया था, रिएक्ट की एप्लीकेशन से रिक्वेस्ट भेजी थी हमारे एक खुद के सर्वर में, ठीक है। और वहां से हम डायलॉग फ्लो को कॉल करवाना चाह रहे थे और हमारा वो कोड दरमियान में था, हमने कोडिंग सेटअप सारा कर लिया था लेकिन उस कोडिंग में कोई एरर आ रहा था। अच्छा, तो अभी हम दोबारा उसको करके देखते हैं, ठीक है। इस कोड में कोई भी चीज चेंज नहीं हुई है, सब वही है लास्ट क्लास में जो मैं पुश कर चुका था रिपोजिटरी में। अच्छा, और अब मैं इसको चला के देखता हूँ कि इसका रिस्पॉन्स, ठीक है भाई, वेदर असिस्टेंट से इसका रिस्पॉन्स आ रहा है। अच्छा, प्रॉब्लम क्या थी जो मैंने गड़बड़ की थी, वो गड़बड़ मैंने ये की थी कि मेरे पास जो सर्विस अकाउंट है वो यहाँ होम के फोल्डर में और यहाँ सर्विस अकाउंट्स के अंदर ये पड़ा हुआ था, ठीक है। तो इसका जो मुझे एब्सोल्यूट यूआरएल देना था, और तो इस सर्विस अकाउंट का मुझे क्या करना था, एब्सोल्यूट यूआरएल रखना था एनवायरनमेंट वेरिएबल में, जो मैंने उसको होम से रखा था, तो होम से जो वो रिलेटिव हो जाता है। अच्छा, तो एब्सोल्यूट यूआरएल कैसे, अभी यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको कि एब्सोल्यूट यूआरएल कैसे है। मैंने कहा डॉलर, और क्या नाम था उसका, गूगल क्या क्रेडेंशियल, उस पेज में चलते हैं ना हम दोबारा, पता चल जाएगा। ऑथेंटिकेशन का गेटिंग स्टार्टेड, ये खुल क्यों नहीं रहा पेज यार, मैं ये देखना चाह रहा हूँ सर्विस अकाउंट किस इस नाम से था, राइट। तो अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि इस एनवायरनमेंट वेरिएबल में क्या पड़ा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, टर्मिनल पे आके लिखूंगा डॉलर और पेस्ट कर दूंगा ये, तो मेरे इसको क्या हुआ, सही है ना, ये पाथ इसने शो कर दिया, ठीक है। ये इसका पाथ है सर्विस अकाउंट्स स्लैश सैलानी क्लास डॉट जेसन। अच्छा, मैं इसको ना यूजर से नहीं लगा रहा था, मैं इसको लगा रहा था होम से, तो मुझे यूजर से लगाना था, एब्सोल्यूट पाथ देना था, तो अब इसको ये सही मिलना शुरू हो गया, ठीक है जी। तो मैंने इसको बंद कर दिया। और ये एनवायरनमेंट वेरिएबल कहाँ पे सेट होते हैं, ये आपके होम डायरेक्टरी में, अगर कोई लिनक्स पे या मैक पे है तो उसमें दोनों में सेम तरीका है। यहाँ पे आपके पास जो भी आपका टर्मिनल है वो ZSH है अगर, तो ZSH RC होगा, ठीक है। अगर वो बैश है तो बैश RC होगा, ठीक है। तो मेरे पास ZSH है, तो मेरे पास ZSH RC करके एक फाइल आ रही है, तो इसको मैं डबल क्लिक करूंगा और ये मेरे पास ओपन हो गया, जितने भी इन्वायरमेंट वेरिएबल है वो सब यहाँ पे ओपन हो गया, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ZSH RC के अंदर क्या लिखा हुआ है, एक्सपोर्ट गूगल एप्लीकेशन क्रेडेंशियल, और उसके बाद यूजर्स से और लेके पूरी फाइल के नाम तक लिखा हुआ, ठीक है जी। अच्छा जनाब, तो मैं, हाँ, विंडोज में भी जब आप रखेंगे तो आपके एनवायरनमेंट वेरिएबल का जो नाम होगा वो क्या होना चाहिए, वो ये होना चाहिए, ठीक है। विंडोज में इन्होंने टर्मिनल का भी एक तरीका बताया हुआ है, अगर आप ये चलाते हैं और सही चल जाए आपसे तो अच्छी बात है, ठीक है। अगर ये आपसे सही तरह, और ये पाथ जो है आपको इसमें क्या देना है, एब्सोल्यूट यूआरएल देना है, ड्राइव सी में अगर है तो सी ड्राइव कॉलन स्लैश स्लैश, उसके बाद पूरा जो आखिर तक पाथ होता है वो देना है आपको,
ठीक है, इसमें वेरिएबल रिलेटिव पाथ इसमें नहीं चलेगा जैसे मैंने लास्ट टाइम दिया हुआ था। अच्छा तो अब ये सब चीजें हम वो करके अब अपनी ऐप के अंदर आ जाते हैं डायरेक्ट, और इस कोड को लाइन बाय लाइन एक दफा समझ लेते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। सबसे पहले तो एक्सप्रेस रिक्वायर हुआ है और कोर्स रिक्वायर हुआ है जो कि मेरे सर्वर की बेसिक रिक्वायरमेंट है, बेसिक बॉयलर प्लेट के अंदर आता है ये। उसके बाद डायलॉग फ्लो की एक लाइब्रेरी है वो हमने इम्पोर्ट की हुई है। अच्छा उसके बाद डायलॉग फ्लो की लाइब्रेरी को इनिशियलाइज किया हुआ है, ठीक है, डायलॉग फ्लो की लाइब्रेरी को इनिशियलाइज करके एक मैंने सेशन क्लाइंट बना लिया। अच्छा उसके बाद एक्सप्रेस की ऐप को इनिशियलाइज किया, कोर्स को लगाया, बॉडी पार्सर को लगा दिया मैंने, उसके बाद मैंने पोर्ट को डिफाइन कर दिया। अच्छा पोर्ट को डिफाइन करने के बाद मेरे पास क्या है, मेरे पास तीन अदद राउट है, स्लैश टॉक टू चैटबॉट, स्लैश प्रोफाइल, स्लैश अबाउट, ठीक है, और उसके बाद लिसन हो गया। अब ये जो टॉक टू चैटबॉट है इसको मेरे जो वेब एप्लीकेशन है ना वो इस पे रिक्वेस्ट करेगी, टॉक टू चैटबॉट। अच्छा और जैसी ही रिक्वेस्ट आएगी तो क्या होगा, प्रोजेक्ट आईडी मुझे मेरे चैटबॉट की पता है, फिक्स कर दिया मैंने वो, सेशन आईडी भी मैंने फिलहाल के लिए फिक्स कर दिया लेकिन असूलन मुझे यूजर से लेना चाहिए, तो मैं यहाँ पे बल्कि उसको हाथ के एडिट भी कर देता हूँ क्योंकि यूजर फ्रंट एंड से मुझे ये डेटा मिलेगा कि जो है ना सेशन आईडी क्या है, ठीक है। तो अभी मैंने ये कर दिया कि भाई बॉडी में अगर सेशन आईडी मिल रही है तो वो ले लो, अदरवाइज उसको फिक्स कर दो, ठीक है, क्योंकि मैंने बॉडी में भेजा नहीं है, अभी अगर ये नहीं लगाऊंगा तो कोड ब्रेक होने लग जाएगा। अच्छा तो प्रोजेक्ट आईडी मुझे पता था, सेशन आईडी मैंने यूजर फ्रंट एंड से मंगवा लिया, क्वेरी कि क्या बोलना है चैटबॉट को वो भी मैंने फ्रंट एंड से मंगवा लिया, लैंग्वेज किस लैंग्वेज में मेरा, असल में लैंग्वेज मुझे बताने की तो जरूरत नहीं है इस वक्त, नहीं भी बताऊंगा तो चल जाएगा क्योंकि मेरा चैटबॉट एक ही लैंग्वेज में बना हुआ है, और डायलॉग फ्लो के अंदर ये ऑप्शन होता है कि आप एक ही एजेंट के अंदर ना मल्टीपल लैंग्वेजेस सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल लैंग्वेज जब आप सेलेक्ट करते हैं तो इंग्लिश में जाएंगे तो इंटेंट आपके एक आ रहे होंगे, ठीक है, आप अगर फ्रेंच पे क्लिक करते हैं तो इंटेंट सारे गायब हो जाएंगे, ठीक है, आपको वो इंटेंट जितने भी इंग्लिश में बनाए ना वो फ्रेंच में आपको दोबारा बनाने पड़ते हैं, ठीक है, सेम नाम से आप इंटेंट बनाएंगे वो चलेगा, तो यहाँ पे जब मैं बोलूंगा ना इंग्लिश तो वो इंग्लिश वाले साइड इंटेंट से अगर मैच करेगा जब भी रिस्पॉन्स करेगा, नहीं करेगा वापस आ जाएगा, और अगर मैं फ्रेंच लिखता हूँ तो फ्रेंच वाले इंटेंट से मैच करेगा, अगर नहीं मैच हुआ तो वापस आ जाएगा, ठीक है, और अगर मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा इसमें ये वाला तो एक लैंग्वेज उसमें डिफॉल्ट होती है जो टॉप पे है उसको वो कंसिडर करेगा बाय डिफॉल्ट, तो मेरे पास तो लैंग्वेज ही एक है तो ये मैं नहीं भी लिखूंगा तो चलेगा लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया इसको। जी ये मैं तुम्हारी बात नहीं समझा, दोबारा बोलो। ऐसा करने की जरूरत क्यों है, आपके दोस्त कह रहे हैं अगर सब लोगों की तवज्जो है यहाँ पे तो ये कह रहे हैं कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अगर अमेरिका से कोई रिक्वेस्ट कर रहा है तो ऑटोमेटिक इंग्लिश को समझ जाए और पाकिस्तान से अगर कोई कर रहा है तो ऑटोमेटिक उसको हिंदी या उर्दू समझ ले, ऐसा करने की जरूरत क्यों पेश आएगी। इनका असल में सवाल नहीं समझ पा रहा कि ऐसा, चलो तुमने बोल दिया कि ऑटो डिटेक्ट करे लेकिन ऐसी तुम्हें क्यों लगता है कि ऐसी जरूरत पेश आएगी। नहीं तो जब बंदा उर्दू में बोल रहा होगा तो फ्रंट एंड में पता होगा ना ये उर्दू में बोल रहा है तो हम उर्दू लिख के भेजेंगे, नहीं पता नहीं मैं सही तरह सवाल नहीं समझ पा रहा है, इन्होंने सवाल हाँ ये क्या है, अच्छा तुम ये कह रहे हो कि अगर बंदा बात कर रहा है बात करते करते अगर उसने इंग्लिश लिख रहा है तो इंग्लिश में रिस्पॉन्स है, अगर फ्रेंच लिख रहा है तो फ्रेंच में रिस्पॉन्स जाना शुरू हो जाए। अच्छा ये डायलॉग फ्लो के अंदर ना बिल्ट इन फैसिलिटी नहीं है कि ऐसा हो जाए लेकिन आप ये कर सकते हैं स्टिल, वो कर ऐसे सकते हैं आप, अच्छा ये बाय द वे मुझे ये भी नहीं लगता कि इस तरह की किसी चीज की जरूरत आएगी, पता है क्यों, हाँ
यार असल में वो देखो जो फीचर है ना, फीचर की जहां तक बात है तो जितने फीचर आप सोच सकते हैं ना वो सब ये डाल सकते हैं, लेकिन ये जाहिर सी बात है टाइम क्योंकि लिमिटेड होता है। बड़ी कंपनी है तो क्या हुआ, टाइम लिमिटेड होता है ना, रिसोर्सेज लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड तो नहीं है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ना वही रखी जाती है। तो ये जो तुम बात कह रहे हो ना, ये शायद बहुत कई लाखों में एक केस इस तरह का हो निकला है, लेकिन आमतौर पर ऐसा ऐसा होगा नहीं, ऐसा क्यों करेगा कोई। ठीक है कि फ्रेंच में बात करते करते इंग्लिश में करने लग जाए। हाँ, और अगर स्टिल अगर आ जाती है ऐसी नौबत तो मैं उसका तरीका बता देता हूँ वो कैसे होगा। गूगल की बहुत सारी एपीआईज ऐसी हैं, ट्रांसलेट की एपीआई है, गूगल स्पीच एपीआई है। ये एपीआई में जब आप वो भेजते हैं ना, वो ट्रांसलेट की भी एक एपीआई है इनकी, स्पीच की, ट्रांसलेट की और सेंटिमेंट एनालिसिस की। जब उसमें आप भेजते हैं तो वो रिटर्न में आपको ये भी बताता है कि ये लैंग्वेज कौन सी है, तो वहां से आप डिटेक्ट कर लें। यानी आपको हर रिक्वेस्ट को पहले डिटेक्ट लैंग्वेज की एपीआई पे भेजना पड़ेगा। वहां से लैंग्वेज डिटेक्ट हो क्या आएगा, तो आपने दो तीन अलग अलग कोड लिखे हुए होंगे, इंग्लिश वाले पे अलग, फ्रेंच वाले पे अलग। तो जो लैंग्वेज डिटेक्ट हो गया ये उस पर भेजेंगे आप, और वहां से आपको वही रिस्पॉन्स आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये किया जा सकता है, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं कराची में कोई चैट बॉट इम्प्लीमेंट करता हूँ, तो कराची में मेरे पास दो लैंग्वेजेस हैं, एक इंग्लिश है, एक उर्दू है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि बंदा उर्दू में बोलना शुरू करे और इंग्लिश में, क्योंकि भाई कीबोर्ड पे ही तो इंग्लिश के लेटर्स लिखे हुए आ रहे हैं ना, वो इंग्लिश में ही बात करेगा। ठीक है, अगर वो उर्दू में बात करना चाहता है तो कोने में या नीचे कहीं पे ड्रॉप डाउन होगा, लैंग्वेज का ड्रॉप डाउन होगा। ठीक है, उस लैंग्वेज पे क्लिक करेगा, ड्रॉप डाउन में से उर्दू सेलेक्ट करेगा। जैसे ही उर्दू सेलेक्ट करेगा ना, पूरी वेबसाइट ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, पूरी वेबसाइट उर्दू में हो जाएगी और हर चीज फिर उर्दू में हो जाएगी। तो उस पॉइंट पे मुझे पता चल गया कि अभी उर्दू में बात करेगा, तो मैं फ्रंट एंड पे ये डिसाइड कर लूंगा कि अगर चेक पे उर्दू लगा हुआ है तो मैं अलग एपीआई कॉल करूँ, चेक पे इंग्लिश लगा हुआ है तो मैं अलग एपीआई कॉल करूँ। या एटलीस्ट ये भी हो सकता है कि ये मैं यूजर से एज अ पैरामीटर मंगवा लूँ बॉडी में डाल के, तो जो भी चेक लगा हुआ ना वो लैंग्वेज का कोड उठा के भेजे, तो यहाँ डायरेक्ट ऑटो हो जाएगा फिर। ठीक है, तो लैंग्वेज इस तरह ना ऑटोमेटिकली चेंज होती नहीं है, मिसाल के तौर पे वो इस वजह से नहीं होती, कन्वीनियंस का चक्कर है। चलो तुम तो उर्दू और इंग्लिश दो जानते हो ना, मिसाल के तौर पे गलती से तुमने कोई फ्रेंच का ऐसा वर्ड लिख दिया जो तुम्हें भी नहीं पता, अब वो फ्रेंच हो गया पूरा। अब तुम ये ढूंढते रहोगे ये सही कैसे हो। उस दिन टेलीग्राम में ये हुआ था हमारे साथ, वो पता नहीं किस लैंग्वेज में बात कर रहा था हम, अब मैं सोच रहा हूँ उसको सही कैसे करूँ। तो बाद में पता चला हम गलती बॉट से बात कर रहे थे। तो इसलिए ना ये लैंग्वेज इस तरह की चीज को ऑटोमेटिक कभी भी नहीं चेंज करते, वो कंसेंट पे चेंज होता है। अच्छा, तो ये चार पैरामीटर्स ऐसे हैं जो क्या करने होते हैं, इसमें हमें भेजने होते हैं ताकि डायलॉग फ्लो को समझ में आए कि किस एजेंट से और किस जुबान में और क्या बात करनी है। उसके बाद ये बॉयलर प्लेट है, ये सारा सेशन आईडी, ये सेशन पाथ, जो रेस्ट एपीआई जब हम पढ़ रहे थे तो उसने सेशन पाथ बनाने का एक तरीका बताया था, तो इन्होंने वो काम ऑटोमेट किया। इन्होंने एक छोटा सा फंक्शन बना दिया, उसमें कहते हैं भाई प्रोजेक्ट आईडी, सेशन आईडी दो, हम आपको बना के रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो सेशन पाथ बना लिया, तैयार कर लिया, उसके बाद एक रिक्वेस्ट तैयार की, रिक्वेस्ट को ऑब्जेक्ट। ठीक है, रिक्वेस्ट को ऑब्जेक्ट तैयार किया। अच्छा, इसको मैं डायरेक्ट इस तरह भी कर सकता हूँ कि इस पूरे कोड को उठा के ना कट करके मैं यहीं पे सामने रख दूँ ऐसे, इससे भी मेरा काम ओके रहेगा। ठीक है, इस पूरे को मैं हटाई दूँ यहाँ से, ये कोड अभी भी सही है। ठीक है, लेकिन दो स्टेप में इसलिए मैंने कर दिया कि चलो यार थोड़ा समझना आसान रहेगा, ये वापस मैंने दो स्टेप में कर दिया। तो ये मैं रिक्वेस्ट को ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, और ये कौन से रिक्वेस्ट को ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ मैं, जो रिक्वेस्ट मैं डिटेक्ट इंटेंट में बना के पूरे भेज, जैसे एक तो एग्जियोस से हम कॉल कर रहे थे, तो इन्होंने एग्जियोस की तरह ही कुछ किया। एग्जियोस में भी यही होता है ना, रिक्वेस्ट का पूरा ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसके बाद एग्जियोस में रख के भेज देते हैं, तो इसमें ये पूरा रिक्वेस्ट को ऑब्जेक्ट बना के हमने डिटेक्ट इंटेंट के अंदर इसको पास किया हुआ। ठीक है, ये कोड पुश भी कर चुका हूँ मैं गिटहब में, और अगर आप इसको देखना चाहें तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, github.com और मेरी प्रोफाइल, और उसके बाद आप जाएंगे रिपोजिटरीज में। होपफुली यहाँ पे कोई ऐसा तो नहीं होगा जिसको पता ना हो, लेकिन अगेन बता दे रहा हूँ कि सेक्शन ए के नाम से जो रिपोजिटरी है ना, AI चैटबॉट सेक्शन ए, इसमें मैं सारा कोड पुश कर रहा हूँ। एक सेक्शन बी था, क्योंकि सेक्शन ए और बी दोनों मर्ज हो गया, तो अब बी में मैं कोई कोड पुश नहीं कर रहा, सारा ए में पुश होगा। अच्छा, ये डिटेक्ट इंटेंट में मैंने भेजा। अच्छा,
एसिंक अवेट वाले तरीके से भेजा, इस पर मैं डॉट देन भी लगा सकता था, ठीक है, वो भी ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन एसिंक अवेट थोड़ा नया तरीका है तो मैंने नए वाले पे लगा दिया। अच्छा, इस पूरे का जो रिस्पॉन्स आया मेरे पास वो ये एक वेरिएबल में सेव हो गया। अच्छा, ये जो रिस्पॉन्स है ना, ये बहुत लंबा चौड़ा सा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसमें चैट बॉट के रिस्पॉन्स के अलावा भी 1000 चीज है। अच्छा, वो हम देख भी लेते हैं कि वो चीजें हैं क्या। इस पूरे रिस्पॉन्स को मैं क्या करता हूँ, कॉन्सोल भी करा लेता हूँ और उसको भी हम एक नजर देख लेते हैं कि यार उसमें, ठीक है, रिस्पॉन्सेज इसका नाम इन्होंने रखा है, तो रिस्पॉन्सेज का मतलब है एक से ज्यादा रिस्पॉन्स है। अच्छा, तो ये जो हमारे पास रिस्पॉन्स आ गया, इसको मैंने कॉन्सोल भी करा लिया, और इसमें से चैटबॉट का जो आंसर था, यानी चैटबॉट ने जो जवाब दिया है, वो कहां पर है, रिस्पॉन्सेज, क्योंकि एक एरे है एक से ज्यादा रिस्पॉन्स होंगे, डॉट क्वेरी रिजल्ट डॉट फुलफिलमेंट टेक्स्ट, ठीक है, डॉट फुलफिलमेंट टेक्स्ट के अंदर चैटबॉट का रिस्पॉन्स होगा, कौन सा रिस्पॉन्स, डिफॉल्ट रिस्पॉन्स। अगर मैंने डिफॉल्ट रिस्पॉन्स नहीं भेजा, ये खाली होगा, ये भी ध्यान में रखना। अच्छा, तो मैंने इसको कॉन्सोल भी करा दिया पूरे रिस्पॉन्सेस को, और कॉन्सोल कराने के साथ साथ जो मेरा जो टेक्स्ट है, जो डिफॉल्ट उसका टेक्स्ट भेजा है चैटबॉट में, उसको भी कॉन्सोल करा दिया, और उसको यूजर को वापस भी भेज दिया पलट के, ठीक है। और वापस भेजने के बाद जाहिर है मेरी रिएक्ट की एप्लीकेशन में पहुंच चुका है वापस ये, तो वापस भेजने के बाद मैंने अपने रिएक्ट की एप्लीकेशन में उसको किस एरे में पुश करवा दिया, जहां पे वो सारे मैसेज मेरे डिस्प्ले होते हैं स्टेट वेरिएबल के अंदर, ठीक है। मैं वापस जाता हूँ और मैं React में गया, app.js में चला गया, ठीक है। ये मेरा वो रिक्वेस्ट है जो मेरे सर्वर पे गई थी, रिस्पॉन्स इसके अंदर आएगा। मैंने response.data.text को कंसोल कराया कि भाई रिस्पॉन्स जो सर्वर से मैंने भेजा है वो आया कि सही तरह से पहुंचा है, यहाँ पे पहुंच गया भाई सही तरह। उसको मैंने सेट मैसेजेस के अंदर रखवा दिया, बॉट है इसका सेंडर और जो टेक्स्ट है वो क्या है, response.data.text, ठीक है, उसको मैंने रखवा दिया इसके अंदर। और मैंने फॉर्म को खाली करवा दिया, टेक्स्ट फील्ड को भी मैंने खाली करवा दिया। अब देखते हैं चल के फ्रंट एंड पे एक दफा और, इसको मैंने कहा भाई व्हाट्स द वेदर, ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ योर सिटी, आई डोंट नो विच सिटी, चलो इसको बता देते हैं, लाहौर। कह रहे इन लाहौर इट इज 15 डिग्रीज आउटसाइड, थैंक यू फॉर कॉलिंग वेदर ऐप, गुड बाय, ठीक है। अभी भी ये कॉलिंग वो जो हमने शुरू में लगाया था ना फोन बनाते हुए, वो अभी तक इसमें आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें सब सारी जगहों से कॉलिंग जो हो रही है ना उसके लिए अलग अलग रिस्पॉन्सेज बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो हम शिद्दत से उसकी कमी महसूस कर रहे हैं, हर जगह जैसे जैसे डिप्लॉय कर रहे हैं हर जगह ये कॉलिंग बोल रहा है, जो कि मुनासिब चीज नहीं है। अच्छा, तो अब इतनी चीज सब लोगों को समझ में आ गई है। अच्छा, ये हो जाएगा अभी 15 मिनट में। अभी आप लोगों को यहाँ पे बैठ के 15 मिनट का टाइम है आपके पास, आपने चैट एप्लीकेशन पहले से बनाई हुई है सब लोगों ने, आई होप आपने चैट एप्लीकेशन सब लोगों ने अपने हाथ से बनाई हुई है रिएक्ट पे, और अब उसमें ना ये डायलॉग फ्लो का एक चैटबॉट भी आप लोगों ने सबने बनाया था, तीन प्लेटफॉर्म पे उसको डिप्लॉय भी कर चुके हैं आप लोग, अब ये चौथे प्लेटफॉर्म पे ना अभी आप लोगों को डिप्लॉय करना है, हो जाएगा, मसला तो नहीं है कोई। अच्छा, किसी का कोई सवाल है अगर इस जमन में तो वो प्लीज पूछ ले। अच्छा, हम दोबारा से जरा एक्सडी खोल के ना एक ओवरव्यू कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, ठीक है। लास्ट टाइम हमने जो ड्राइंग बनाई थी उसमें वो होगी, मोस्ट प्रोबेबली सेव होगी उसमें वो, अच्छा जी। तो हमने क्या कर लिया, SMS पे, WhatsApp पे, Telegram पे, Facebook पे, फोन कॉल पे, ठीक है, फोन कॉल कर देता हूँ उसका, वेबसाइट पे एम्बेडेड कोड के थ्रू, और अब React App पे भी हम इसको इंटीग्रेट कर चुके हैं। अभी तक हमने वेबहुक वाला पार्ट ये नहीं पढ़ा है, अभी डायलॉग फ्लो से जो हार्ड कोडेड आंसर्स अभी हमें चारों पांचों प्लेटफॉर्म पे मिलना शुरू हो गए, ठीक है। और अब हम अगला काम ये करेंगे, जैसे ही आप लोग ये कंप्लीट कर लेते हैं, जितना मैंने बताया है, जैसे ही आप ये कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद क्या होगा कि हम वेबहुक पढ़ेंगे और इंशाल्लाह फिर हमारा ये कोर्स इख्तिताम की तरफ पहुंचेगा। एक दो छोटी छोटी चीजें और हैं, अगर वक्त मिला तो मैं वो भी करना चाहूंगा, लेकिन अच्छा फिर आपसे पूरा प्रोजेक्ट भी आप बनाएंगे प्रॉपर,
तो छोटी छोटी बहुत सारी चीजें और भी हैं जो मैं करवाना चाहता हूँ, लेकिन ये हमारा मेन कोर्स है, फाइनल प्रोजेक्ट जो सैलानी में डिप्लॉय होगा इंशाल्लाह। सॉरी, हैकाथॉन ही होगा ना, हैकाथॉन ही होगा, वेब वालों का भी हैकाथॉन होता है लास्ट में, आपका भी वही होगा। अभी मैं ये नहीं, आई एम नॉट श्योर कि आप लोगों को वो लैपटॉप देंगे या नहीं, लेकिन हैकाथॉन इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम करवाने की। असल में हैकाथॉन करवाना इतना इजी नहीं होता, इजी इसलिए नहीं होता कि पूरे दिन यहाँ पे क्लासेस चल रही होती है 24 घंटे वाला। है कितने घंटे वाला? 24 घंटे वाला सही है, 24 घंटे वाला। खाना सबके लिए जो बनाया ना, उसका हम चैटबॉट वर्जन बना देंगे या कुछ सोचेंगे इसी से रिलेटेड, कुछ ना कुछ सोचेंगे। नहीं, खाना खाने जो आ रहा है उसके पास तो आम मोबाइल होगा, लेकिन हम अगर वहां पे उसके बाहर डिवाइस रखते हैं जो डायरेक्ट आ रहे हैं वहां पे काउंटर पे लोग, वो उसको बंदे से बात ना करनी पड़े, वो चैटबॉट से बात करे, हिंदी में कर देंगे। अभी तो मेन कोर्स कंप्लीट करेंगे ना, तो एक इंशाल्लाह हम चैटबॉट हिंदी में भी बना के देखेंगे। सही है, समझ रहे हो बात? तो ये जो तुम चीजें सोच रहे हो ना, ये इस हद तक पहुंचने के लिए ना तुम लोगों को बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा जो तुम लोग नहीं कर रहे। तो जल्दी से अभी जो है ना, ये काम फटाफट कर लो, एक रिएक्ट के ऊपर चैट एप्लीकेशन, भले चैट एप्लीकेशन बनी बनाई उठा लो, कहीं इंटरनेट पे हजारों बनी भी पड़ी हुई है चैट एप्लीकेशन रिएक्ट की, बनी बनाई उठा लो, ये डायलॉग फ्लो से कनेक्ट हुआ हुआ होना चाहिए। मुझे रिएक्ट की ऐप पे ना चैट बॉट का डायलॉग फ्लो का रिस्पॉन्स देखना है बस, जैसे भी करो, ये कहीं से डाउनलोड करो, शॉर्टकट मारो, कुछ भी करो, हर बंदे के पास अपना अपना चल रहा होना चाहिए। और पॉइंट टू बी नोटेड, हरिको पे डिप्लॉय होना चाहिए, ये लोकल मशीन में चला के दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है?